Assalamualaikum viewers, welcome to our channel and welcome to another video. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. Today I'm sharing another dresses, two dresses by Gulal aur ek cord hai iska Parisa and hai Lamisa. I don't know what kind of cord they are, but do do karte hain kyunki jo hai bahut simple se jode hain. So let's start with this one. दिस इज अनदर ड्रेस और इसका जो है कलर है एक्वा कलर. पिक्चर में ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा बहुत फर्क है और ये भी सारा प्रिंट है. क्वालिटी अल्कलॉन की काफ़ी अच्छी है और ये पैचेस दिए हुए हैं इन्होंने ऑर्गेन्जा के, जो कि स्ट्रेट लग जाएंगे, एप्लिक वगैरह कुछ भी नहीं है. और ये फ्रंट बैक के लिए दिए हुए पैचेज अलबत्त काफ़ी बड़े हैं, अगर नॉर्मल साइज का ड्रेस सिलना हो तो जो है वो साइड से बच के थोड़ा सा स्लीव से भी लग सकता है अगर प्रिंटेड स्लीव हो तो. और एक और चीज़ ये कि लॉन की सूट में मैं मेंशन नहीं करी कि क्या साइज़ बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारा कपड़ा दिया हुआ है, साथ में बॉर्डर्स भी दिए हुए जो पिक्चर में नहीं यूज़ किए हुए, तो साइज़ का तो कोई इशू नहीं, जितना भी बड़ा साइज़ चाहे वो आराम से बन सकता है. तो ये सारा प्रिंट ही है, स्लीव्स का भी जस्ट प्रिंट ही है, ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता. और बैक भी कुछ इसी तरह से, उसकी तो पिक्चर भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. ये गले की पट्टी है, बीच में जो है इन्होंने इस कॉन्ट्रास्ट का कलर की पट्टी पिंटेक्स करके लगाई हुई, वो पार्ट ऑफ स्टिचिंग है. और इसके साइड पर जो है ये वाली पट्टी लगाई हुई दो साइड पे. और उसके बाद है इसका प्लेन कॉटन का ट्राउज़र और फिर है कॉटन की जो है सिंपल सी लेस और फिर इसका दुपट्टा. कलर अलग बताए इनके बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं, मतलब विंटर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त आइडियल कलर्स हैं, आँखों को ठंडक पहुँचाने वाले कलर्स. ओके, सो दिस इज़ शिफॉन दुपट्टा और शिफॉन दुपट्टे की भी वही क्वालिटी जो मैंने पहले बताया था, गुजरा वाला शिफॉन है. इसका थोड़ा सा जो है बिल्कुल ज़रा सा वेट होता है, तो ये जो है कैरी करना बड़ा आसान होता है, ये उड़ नहीं रहा होता, स्लिप नहीं हो रहा होता, तो इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है. और जस्ट इन्होंने कुछ सिंपल सी फिनिशिंग आई थिंक पाइपिंग लगाई हुई ऑल साइड पर, दैट्स इट. तो ऑलमोस्ट जस्ट अ प्रिंट है और कलर की वजह से जो है काफ़ी खूबसूरत है. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. ओके जी, इसका जो है ग्रे कलर है, ये भी प्रिंट है, फ्रंट का प्रिंट है. पिक्चर में जो है उन्होंने इस वाले कपड़े के अंदर ये जो है ये जो गले के ऊपर प्रिंट है सारा वो सारा कट करके एप्लीक में और अंदर जो है प्लेन कपड़े के ऊपर पिंटेक्स डाल के वो लगाया हुआ है एंड देन गला बनाया हुआ उसके अंदर. तो ये जो सारा हिस्सा है इसके अंदर ही जो गले के अंदर जो येलो सा पार्ट है वो सारा कट जाएगा, सारा इसके अंदर जो है एप्लीक होगा. मेरे ख्याल है बिला वजह का जो है इन्होंने बस लॉन के सूट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो कि इसके अलावा ही प्रिंट जो है वो अच्छा था, सिंपल था. उसके बाद इसका खूबसूरत सा एक एम्ब्रॉयडर्ड दामन का बॉर्डर है. बॉर्डर इन्होंने अलबत्त काफ़ी बड़े हुए दिए हुए, तकरीबन 28 to 30 इंचज़ का दामन आराम से निकल जाएगा और चौड़ाई में भी कपड़ा जाहिर सी बात है काफ़ी है. फिर ये बॉर्डर है जो कि डेफिनेटली स्लीव्स का होगा क्योंकि इसके ऊपर स्लीव्स तो है नहीं तो नज़र आ नहीं रहा. और ये है कॉटन का इसका ट्राउज़र और ट्राउज़र के ऊपर जो है ये अच्छा, हाँ यही हो सकता है क्योंकि उस पर जो है ना वो येलो तो दिख नहीं रहा लेकिन सेम कलर का वो दिख रहा है कुछ लाइन की वजह से. तो ये बॉर्डर जो है वो पैंट का है और फिर है इसका एंड का दुपट्टा. तो ये सूट जो है काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनमें. प्रिंट्स अलबत्ता अच्छे हैं और कलर काफ़ी खूबसूरत है. सो ये इसका शिफॉन का दुपट्टा, इसका शिफॉन थोड़ा सा लाइट वेट है और लेकिन प्रिंट काफ़ी अच्छा है. कलर जो इन्होंने ऐड किए हैं ग्रे के अंदर मजेंटा का टच दिया है, बड़ा ही खूबसूरत है. नॉट जस्ट टच, ऑब्वियसली इसका प्रिंट है पूरा, वो बहुत ही खूबसूरत है. उसके बाद इन्होंने जो है इसके बाहर इतने भारी भारी ट्राइंगल बनाए जो बिला वजह मेरे ख्याल है स्टिचिंग को मतलब पैसे बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि लॉन के सिंपल जोड़े पर जो है इतने ये सारे ट्रायंगल्स करवा के तो आई डोंट थिंक इसके अलावा ही जो है मुझे तो अच्छा लग रहा है सिंपल कोई पाइपिंग कुछ फिनिशिंग करके. ये इसका बैक का प्रिंट है क्योंकि एक ही साथ सारा दिया हुआ है. लेंथ जो है वो अच्छी आराम से हो जाएंगी और चौड़ाई में भी जो है कपड़ा काफ़ी है, थोड़ा सा सी थ्रू है. लाइट कलर जो है ये सारा जो है मेरा हाथ नज़र आ रहा है तो मेरा ख्याल इसमें थोड़ी सी लाइट लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, बट दैट्स व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो लोगों को क्या पसंद है. सो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट से अपना फीडबैक दीजिएगा. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.